भक्तजनों, श्रद्धालुओं, आप सभी को आज हम रामलीला के पर्व की हार्दिक बधाई देते हैं। रामलीला भगवान राम के जीवन चरित्र का अंकन है एंड वी आर ऑल फील प्राउड आवर सेल्फ टू बी दैट इन आवर एडमिंटन इन योर टेम्पल वी आर सेलिब्रेटिंग नाउ 11th रामलीला एंड इट्स द ओनली टेम्पल ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका विच हैज़ रामलीला फंक्शन। रामलीला के द्वारा हम भगवान राम को फिर अपने जीवन में देखते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये संस्कार देते हैं कि भगवान राम कौन थे, हु इज़ आवर आइडियल एंड हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है कि आपके एडमिंटन में भारतीय कल्चर सोसाइटी मंदिर में ये 11वीं रामलीला होने जा रही है और ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक इवेंट होता है यहाँ, क्योंकि बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होती है इस इवेंट की। हमारा जैसे मेन ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट जनरेशन को अपने कल्चर के बारे में बताना, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो अभी तक जो भी जिन्होंने ये रामलीला नहीं देखी है तो नेक्स्ट टाइम या इस बार भी वो ज़रूर भारतीय कल्चर मंदिर में रामलीला देखने आएँ और बच्चों को साथ लेके आएँ। बहुत ही इंजॉय करते हैं बच्चे इस परफॉर्मेंस को और उनको शिक्षा मिलती है राम जी के जीवन की, वो सारी दृश्यों में देखते हैं और बहुत ही जल्दी वो लर्न करते हैं दृश्यों को देखने के साथ। सभी भक्तजनों को हमारी तरफ से रामलीला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय कल्चरल सोसाइटी के प्रांगण में ये आज 11वीं रामलीला होने जा रही है। बहुत धन्यवाद करते हैं हम उन सभी वॉलंटियर्स का, हमारे कलाकारों का, जो पिछले एक महीने से यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 11 साल से एक ही टीम बार बार यही त्यौहार यहाँ पर बहुत खुशी से मनाती रही है। पिछले 3 सालों से हमने दशहरा भी मनाना शुरू किया है। आज 3 घंटे की रामलीला के बाद 25th संडे को दशहरा बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। हारमोनी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को हम निमंत्रण देते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे साथ मिलकर दशहरा मनाएँ। धन्यवाद। भारतीय कल्चर परिवार को और ख़ास करके अरविंद एरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग नॉर्मली जब भारत से बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर होते हैं, तो हम लोग अपने जो दिन त्यौहार है वो उतनी धूमधाम से नहीं मनाते, पर यहां पे एडमिंटन में भारतीय कल्चर सोसाइटी में हम लोग जो दिवाली है, दशहरा है और रामलीला है वो बिल्कुल उसी तरह मनाते हैं जैसे हम इंडिया में मनाते थे। तो इसके लिए मैं भारतीय कल्चर परिवार को, इनकी सारी टीम को और अरविंद आर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। Thank you.
आप सभी भक्तजनों को माता रानी के नवरात्रों की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ड्यू टू द नवरात्रस अभी महामाई की महाआरती होने जा रही है। तुरंत इसके पश्चात रामलीला का आगाज, रामलीला का आरंभ होगा। आपकी पेशेंस और इस सुविधा के लिए हम बहुत ही आभारी हैं। धन्यवाद।
भक्तजनों, श्रद्धालुओं, आइए आप सबका आज की 11वीं रामलीला में हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आपके मंदिर में आपके साथ रामलीला के इस भव्य प्रदर्शन को प्रारंभ करते हैं। अरविंद एरी जी के नेतृत्व में ये मंजे हुए कलाकार, जिन्होंने कई महीनों से लगातार रिहर्सल की है, परिश्रम किया है, दिन रात ये किया है, आज वो आपके सामने उतरेंगे भगवान राम के जीवन चरित्र को लेकर। 3 घंटे का ये जो रामलीला का शो है, ये हमारे पूरे जीवन की सोच को बदल सकता है। तो आइए, हम तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट सीन की। फर्स्ट सीन जो है राम जन्म का है, जिसमें राजा दशरथ जी का दरबार है। राजा दशरथ वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और अभी तक उत्तराधिकारी नहीं है, संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है और अपने राजगुरु वशिष्ठ से परामर्श करते हैं और उनके परामर्श से श्रृंगी ऋषि को बुला के लाते हैं और एक विशेष पुत्र का भी यज्ञ होता है, जिसके पश्चात अवतरण होता है भगवान विष्णु का अयोध्या में भगवान राम के रूप में। तो अरविंद जी के सभी निर्देशन में देखते हैं फर्स्ट सीन राम जन्म दशरथ दरबार के साथ किसी खुलने जा रहा है, जितना आपके व्यक्ति और देखिए दशरथ जी का दरबार। प्रत्येक छोटा बड़ा
मेरी आज्ञा का पालन करता है। फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। सुख और भैव मेरे हृदय को बेचैन बना रहे हैं। विचारों में भगदड़ सी मच रही है। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की। भोगने वाला ही नहीं तो संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं। दिल हुआ बेकार दिल का कोई प्यारा नहीं। मंत्री जी क्या बताएं संतान की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। क्या भरोसा कब इस जहां से कूच कर जाऊं। लगता है मेरे बाद सूर्यवंश का नाम ही समाप्त हो जाए। चमकता था जगत में आज तक भूषण रघुकुल का। बना अफसोस है नाश का कारण रघुकुल का। गुरुदेव अब आप ही मेरी इस चिंता का उपाय कीजिए। आप शीघ्र सिंह ऋषि जी को आदर सहित ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। चिरंजीवी राम राजन कहो ऋषिराज आप कृपा कर पुत्र ऐश यज्ञ कराकर सूर्यवंश पर उपकार कीजिए। आपका परामर्श उत्तम है। आप हवन सामग्री का प्रबंध कीजिए। हवन करेंगे। ऋषिवर यज्ञ हेतु सामग्री पहले से ही तैयार है। बस आपकी कृपा की ही देर है। ठीक है आप सामग्री मंगवा लीजिए। आप ये प्रसाद अपनी रानियों में वितरण करवा दीजिए। प्रभु की कृपा।
कृपा कृपा से आपको संतान प्राप्ति हो। धन्यवाद। अब हमें प्रस्थान के योग्य। धन्यवाद। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी तुझमत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या रूप निहारी दशरथ पुत्र जन्म। तेरे नगर में किसी वस्तु की कमी नहीं। आज तुम्हारी दया से इस अंधेरे महल में भी उजाला दिखाई देने लगा। तुम धन्य हो प्रभु, तुम धन्य। सुनी तुमने ही आखिरकार ये फरियाद सेवक की, जगत में रह गई बाकी वसीयत सेवक की। धन्यवाद प्रभु धन। मंत्री जी रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। ओ दशरथ पुत्र जन्म मुनि काना, मानहु ब्रह्म करेंगे अंजना बब्बर जी। भगवान राम के जन्म की प्रसन्नता में खुशी में एक सुंदर नृत्य। बोल सियावर रामचंद्र की। और अंजलि जो अंजना बब्बर जीवन गोपाल दास अकेडमी से हैं, आप प्रस्तुत करते हैं आपके सामने भगवान राम के जन्म की प्रसन्नता में सुंदर नृत्य नाटिका। Thank you.
सभी ऋषि मुनियों, राजकुमारों एवं राजाओं का इस जनकपुरी में हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रण के अनुसार जो भी वीर इस धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसे हमारी पुत्री सीता अपना जीवन साथी चुनेगी। अतः आप एक एक करके आए और अपना जोहर दिखाए। मैं सबसे पहले विनती करता हूँ पंजाब के राजकुमार खरा सिंह को जो आए और अपना जोहर दिखाए। राजा दल
करता होता तो ऐसी हंसी नहीं होती, करते नहीं प्रण ऐसा तो बेबसी ऐसी होती नहीं। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारे वश में क्या है। आसन छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है अपने दाता ने, सीता को कुंवारी रहना है, दुख दिया है विधाता ने। बस राजा जनक, राजन होकर इस कदर ज्ञान वान बलवान, एक तनिक सी बात पर वीरों का अपमान, जो बिना विचारे कहते हो ये शब्द तुम्हारे तीगे हैं, करते हैं घायल हृदय को, पर्ची है बाण सलीखे हैं। ये योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। वे राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान क्या कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं तो, इस धनवे की है क्या पिता, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। प्यारे भाई को चल चल को थल कर दूं, लाऊं तोड़ सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पर्वत और पहाड़ों को। फिर धुनिष्ठ पुराना घिसा पिता, तिनके सब किस गिनती में है, सैकड़ों कोस ले जोड़ू, कितना बल तो इस उंगली में है। प्यारे भाई लक्ष्मण, हमें इस समय क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूं, किंतु महाराज जनक हमसे बड़े हैं। निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो, अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और शिव चाप का भंजन करके जनक का दुख दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सारे का। लाज आज रखना मेरी, हे शरणागत प्रतिपा, तेरा ही है बल मुझे, हे प्रभु दीन दया। देखिए, यह वही धनुष है जिससे प्रत्येक वीर भय खाता है। देखिए किस तरह अब इसकी प्रत्यक्षा चढ़ती है, उठाने के लिए जिसे विवश हर्षूर होता है, देखिए उसी को अब किस तरह से चूर होता है। रामचंद्र की धन्यवाद, तुमने रघुकुल का नाम रोशन किया। गुरुदेव ये सब आप ही का प्रदान है। रघुनंदन ने धनुष धराया, सब राजों
भूषण तो नहीं जो महाराज ने पहना है, ये कहना है रजपूत
राजर्षि बाल ब्रह्मचारी प्रति क्रोधी और निर्मय जो लहू चढ़ने वाला है। क्षमा करिए श्री मुनिनाथ, अब धार की शरण में आया है ये मात। अपने दासों का रक्त पिए ऐसी ताप भला कब परसे की। भृगनाथ हमारी तो गर्दन है छाया में इस परसे की, यदि इसके काट भी डालो तो क्या है, अनुरागी है। विप्र चरणों में न्योछावर हो यदि तो यह शरीर बड़ा बड़भागी है। बातें तुम्हारी सुन नरमाई मुझ में छा जाती है, और देख देख तेरे भाई को गरमाई फिर से छा जाती है। क्यों तो वो है गर्म, देख अभी भी कैसे मुस्कुराता है वो, उसका ये रह रहकर मुस्कुराता बिजलियां मुझ पर गिराता है। बस हो चुका अब बाण युद्ध हो राम, रण ही तय करेगा कौन है सर्वश्रेष्ठ बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है, मेरा ही नाम छिनकर मुझ पर रोक जमाता है। तो राम नहीं रहेंगे आज इस कारण का संग्राम अभी, वरना बहकावा दुनिया को क्या के राम का नाम अभी। सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। यदि सोचें तो भृगनाथ आप में और मुझ में कितना अंतर है। ये परशुराम नाम तो मस्तक पर है, यह राम नाम चरणों पर। मैं हूं राम आप हैं परशुराम, तो बोलिए किसका नाम बड़ा, क्योंकि वही तो बड़ा कहलाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। हे राम अगर आप अवतारी हो तो संदेह मिटाओ, ये रमापति का धनुष इसे चढ़ाइए। लाइए मुनिवर। धन्य हो राम, मेरा सारा अभिमान दूर हो गया, सारा अहंकार दूर हो गया। धन्य हो, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम। आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ही तपस्या, परिश्रम और डेडिकेशन की जरूरत होती है, जिसमें अरविंद एरी जी एंड हिज एंटायर टीम हैज बीन वर्किंग सो हार्ड फ्रॉम लास्ट मंथ एंड हाफ। आप सभी से प्रार्थना है कि इनकी एंटायर टीम के लिए एक कितना में ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। And also looking forward to get their same kind of sports in the coming near future. आज के पिंडभोज की सेवा तीन परिवार की सहायता से की गई है, जिनके नाम है मिस्टर गुरनाम संगा एंड मिसेज अमरजीत संगा, मिस्टर मेवा सिंह औजला एंड मिसेज सुरेंद्र औजला। Also, the third family is Surinder Sharma, son of Suraj Sharma. इन परिवारों के हम बहुत ही आभारी हैं और प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि इन तीन परिवारों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब मैं आप तक आने वाले कुछ हफ्तों के इवेंट्स और प्रोग्राम की सूची शेयर करना चाहता हूँ, जिनमें जिनकी शुरुआत आप सभी भगत जानते हैं कि आपके मंदिर में नवरात्रों की पूजा रोज 5 से 6:30 तक बहुत ही प्यार श्रद्धा और धूमधाम से होती आ रही है, जिसकी पूजन कल सुबह संडे वो स्टार्ट्स एट 9:30 till 11 o'clock। फ्रॉम 11 AM till 12:15 भजन संध्या होगी, जिसको करने के लिए भावना संध्या अपनी पूरी टीम के साथ आपके मंदिर में आ रही है। अब सभी से प्रार्थना है कि कल आप
नवरात्र पूजन और इस भजन संध्या के शाम होने के लिए ठीक समय पर आपने मंदिर में जरूर आए। दशहरा जो आपके मंदिर में पिछले कई सालों से बहुत प्यार श्रद्धा और धूमधाम के साथ होता आ रहा है, इस साल भी भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा अपनी पूरी तैयारी के साथ दशहरा आपके साथ मनाने के लिए तैयार है। दिस इवेंट विल टेक प्लेस इन अ पार्किंग लॉट जिसमें कुछ खूबसूरत झांकियां शामिल होंगी और अंत में आरती के बाद रावण दहन होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने अपने उस दिन अपने टाइम पर पहुंच जाएं, मंदिर की रौनक बढ़ाएं और श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ उस दिन हमने विंटर फ्लू शॉर्ट्स का भी अरेंज किया है। अगर आप विंटर शॉर्ट्स के लिए आप अपने परिवार को फ्लू शॉर्ट्स लगवाना चाहते हैं, दे आर एट द फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देयर इज नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। प्लीज बी हियर बिटवीन 11 AM एंड 2:30 PM। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने मंदिर के बहुत ही बड़े सपोर्टर नरेश भारद्वाज जी का, जो पिछले कई सालों से अल्बर्टा लेजिस्लेचर में हमारे साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। बहुत ही परिश्रम और डेडिकेशन के बाद नरेश भारद्वाज जी एंड देयर एंटायर टीम इस बार भी दिवाली का आयोजन लेजिस्लेचर में होने जा रहा है, जिसमें बसेस विल लीव एट द भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा एट एग्जैक्ट 5:30। आप सभी से प्रार्थना है कि आप समय पर पहुंचे और इस दिवाली का आनंद लें, जिसमें स्वीट्स स्नैक्स भी मौजूद होंगे। देयर विल बी फ्यू स्टेज परफॉर्मेंसेस एज वेल एज द फायरवर्क्स विल टेक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस इवेंट। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स और यू कैन लॉग ऑन टू योर वेबसाइट। करवा चौथ का आयोजन आपके मंदिर में अक्टूबर 30 को होने जा रहा है। सभी सुहागन बहनाएं बहनों और माताओं से प्रार्थना है कि ये पूजन 4 बजे शुरू होगा। दिस पूजन विल कमेंस एग्जैक्ट एट 4 PM टिल 8 PM। फॉर मोर इंफॉर्मेशन अगेन लॉग इन टू आवर वेबसाइट, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस स्टेज को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ही डेडिकेशन परिश्रम की ज़रूरत होती है। ये आज का ही प्रोग्राम नहीं है भगतजनों, इट्स बिन हैपनिंग प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट मंथ एंड हाफ, और जिसको दिस वॉज नॉट ए पॉसिबल विदाउट अरविंद एरेजीज डेडिकेशन। दिस कुड नॉट बी पॉसिबल द आर्टिस्ट एंड द वॉलेंटियर्स हेल्प। हम सभी वॉलेंटियर्स आर्टिस्ट एंड हिज एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एंड ऑल्सो दिस इवेंट कुड नॉट बी अ पॉसिबल विदाउट आर स्पॉन्सर्स हेल्प। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आपके मंदिर के प्रेसिडेंट अर्चना तिवारी जी को। प्लीज कम टू द स्टेज, अनाउंस एंड रेकग्नाइज ऑल द आर्टिस्ट एंड स्पॉन्सर्स। गूंजती हो तालियों के साथ अर्चना तिवारी जी। थैंक यू रामा जी, और एक बार फिर मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छा इन्जॉय कर रहे थे रामलीला का ये शो, लेकिन बीच में हमने थोड़ा सा अनाउंसमेंट्स के लिए ये रोका है, तो एक बार फिर से जय जय श्री राम, हाथ उठा के जोर से बोलेंगे जय जय श्री राम। आप सभी को पता है कि ये मंदिर नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर और यही मंदिर है जिसमें रामलीला का प्रोग्राम, ये जो शो है, लगातार 10 सालों से चला आ रहा है। दिस इज द 11th ईयर के ये शो हो रहा है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस शो इज टू कनेक्ट अवर किड्स, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम अपने कल्चर वैल्यूज के बारे में बता सकें। और आई कैन सी दैट बिकॉज मैंने देखा है अभी अभी कि छोटे छोटे बच्चे जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो जोरदार ताड़ियां एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए। मन को बहुत ही खुशी होती है
जब अगले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन इस सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लगता है कि हमने जो अचीव करना है वो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम थैंक यू करना चाहते हैं अरविंद बैरी जी का, जो पिछले 10 सालों से इसको डायरेक्ट करते आ रहे हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। लगातार 3 महीनों से ये बच्चे सभी पार्टिसिपेंट और अरविंद जी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वो आपको 3 घंटों का ये शो दे सके। तो एक बार जोरदार तालियां अरविंद बैरी जी के लिए। और सब एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए जो इतने आराम से बैठ के ये शो को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स टू ऑल द स्पॉन्सर्स, ऑल द वॉलंटियर्स एंड ऑल द फूड स्पॉन्सर्स ऑल्सो, जिनके बिना ये कोई भी इवेंट हमारे मंदिर में मुमकिन नहीं है। तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक और बात कि हम जैसे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे सारे नेक्स्ट यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अभी से आप अरविंद जी से कॉन्टैक्ट करके इनका नाम दीजिए और अपने बच्चों को मंदिर से और अपने कल्चर से जरूर जोड़िए। एक और अनाउंसमेंट है हमारी कि हम मंदिर को, हमारे वॉलंटियर्स मंदिर को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करते रहते हैं। तो इस बार कुछ वॉलंटियर्स ने मिलके हवन एग्जॉस्ट जो बनाया है, हम उनके बहुत आभारी हैं क्योंकि नवरात्रों में सभी दिन हवन होता है और हम इस हवन एग्जॉस्ट को यूज़ कर रहे हैं ताकि अपने मंदिर को साफ रख सकें। तो हम धन्यवाद करते हैं जयंत भाई पटेल का, प्रफुल्ल पटेल जी का, हरीश कुमार, जीत भारद्वाज एंड नरेश भारद्वाज जी का, जिन्होंने इस हवन एग्जॉस्ट को यहाँ तक पे बनाने के लिए, मुझे लगता है कि ये हमारे ही मंदिर में है और किसी मंदिर में आपको मिलेगा भी नहीं, तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अरविंद बैरी जी ऑन द स्टेज। धन्यवाद अर्चना जी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है धन्यवाद की, पर मैं जानता हूँ कि आप सब वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सीन का, तो हम इसे रखेंगे वेरी शॉर्ट। तो अभी मेरे पास पीछे चंद्र जी, अर्चना जी और राम जी कह रहे थे कि देखिए कि ये हमारा मंदिर भी अब छोटा लगने लग गया है, तो कृपया अपने लिए तालियाँ बजाइए जो कि इतनी भारी मात्रा में यहाँ कलाकारों का सपोर्ट करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पिछले 10 सालों से ये जो आपने सपोर्ट दिया है, इसी के कारण हम हर साल ये शो आपके लिए लेके आते रहे हैं और यदि ऐसे ही सहयोग रहा तो आगे भी लेके आते रहेंगे। और सबसे पहले सारा मैं धन्यवाद करता हूँ उन कलाकारों का जो पिछले कलाकारों का, वॉलंटियर्स का, हमारे म्यूजिशियंस का जो कि पिछले 2 महीने से, बल्कि मैं कहूँगा 3 महीने से राइट आफ्टर जन्माष्टमी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं, अपने फैमिली टाइम में से इम्पॉर्टेंट टाइम निकाल कर यहाँ पर चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसा शो प्रेजेंट करें कि बच्चों को जो देखने से रामलीला उनके दिमाग में घर कर जाएगी और वो जाके आपके घर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य यह एक पूरा होगा कि बच्चों को पता लगेगा कि कौन थे राम, कौन थे लक्ष्मण, क्यों वो वन गए, क्यों उन्होंने रावण को मारा और क्यों हम ये दिवाली मनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है मैंने, और आप सब कृपया अपने लिए जो लोग यह सहयोग करते हैं, जिनसे ये रामलीला हम हर साल आपके लिए लेके आते हैं, कृपया अपने अपने लिए ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और पिछले 10 सालों से कुछ ये जो 5 हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो हर साल इस रामलीला का जो भी खर्चा होता है वो अपने सिर पर उठाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम कृपया उन स्पॉन्सर को स्टेज पर बुलाएं और एक बार यहाँ पे एक एक्नॉलेज करें। तो उसके लिए मैं अपने भारतीय कल्चरल सोसाइटी के पूरे बोर्ड मेंबर्स, हमारे पंडित जी, नरेश जी, इनको स्टेज पे आमंत्रित करूँगा कि कृपया आएँ और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको एक्नॉलेज करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे को फेडरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके लिए लिबरल पार्टी के कैंडिडेट अमरजीत सोही जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर हमारे बोर्ड मेंबर्स के साथ कृपया आएं।
तो भारतीय कल्चरल सोसाइटी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये स्टेज प्रदान किया रामलीला के कलाकारों को, ताकि वो आकर ये अपनी कला यहाँ पर आपके सामने रख सकें और अपना शौक पूरा कर सकें। तो कृपया ताली बजाकर भारतीय कल्चरल सोसाइटी के पूरे बोर्ड, मिस्टर अमरजीत सोही, नरेश जी, कृपया स्टेज पर आएँ। और हम अपने स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट करेंगे, इसमें श्री के गुप्ता जी, अनुज गुप्ता जी, बॉबी जायसवाल, पॉल जायसवाल, शेखर जी फ्रॉम सेंचुरी ट्रैवल, और आगे की कार्यक्रम में ये माइक दूंगा हमारी प्रेसिडेंट अर्चना जी को। हम बहुत ही स्वागत करते हैं अमरजीत सोही जी का, जो कि यहाँ हमारे रामलीला शो में प्रेजेंट हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट हिम टू से फ्यू वर्ड्स। Well, look at the crowd. This is just an amazing, amazing achievement for the entire community to have come together to celebrate such an important, important festival. But it would not have been possible if you did not have the committed volunteers who worked so hard, not only to run and manage this temple, but also many events that are so critical to celebrate the cultural, religious and linguistic diversity that we all feel so proud of. So please give a big, big round of applause to all the board members, to the volunteers, and to you. This is such a, Adventure is such a wonderful community. We are a wonderful community because each and every one of us get the opportunity to celebrate who we are. Our religion, our traditions, our language, our culture. That's what makes us unique, and that's what we see here today. So thank you so much for including me in this, and please enjoy the rest of the Ramlila. Thank you, Amarjit ji. Arvind ji. तो एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्पॉन्सर से कि वो कृपया स्टेज पर आएं और हमारा एक धन्यवाद यहां पर ग्रहण करें। तो बॉबी जायसवाल जी प्लीज। मिस्टर पॉल जायसवाल फ्रॉम मीचो बुरीचो, Mr. Shekhar from Century Travel, and Mr. K.K. Gupta and Anuj Gupta from Alberta Mortgage and Anu Homes, and Mr. Vivek Ahuja from Bank of Montreal. हम बहुत lucky हैं कि पिछले 5-10 सालों से ये पांचों लोग रामलीला के साथ खड़े हैं। हमें इनसे कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती, अपने आप बिना पूछे अपना कंट्रीब्यूशन ये रामलीला को देते रहे हैं, ताकि मंदिर को कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़े, और ऐसे ही हम कई नए इवेंट आपके लिए लेके यहाँ पर आते रहे। धन्यवाद। अब गणेश जी कुछ कहना है। Well, thank you very much, ladies and gentlemen. I just want to thank each and every one of you for being here today. We were looking back this morning as the stage was being set up. What was it like 10 years ago? I remember it clearly. We did it outside in the parking lot. We set up a temporary stage which we borrowed from Council of India Societies, and it started raining and it was windy. So we had to go get temporary tarps, and we had a couple of hundred people. Today, I'm honestly proud to tell you that we had more than 2,000 people in and out of this temple. And ladies and gentlemen, it is a testament to each and every one of you, your commitment, your dedication for your young kids, for our children, and of course, our future generations. Arvind, thank you so much for doing such a marvelous job, and thank you, Arjuna ji, and your entire team for doing a good job. Thank you so much. और एक बार और दोबारा धन्यवाद उन सभी कलाकारों का और वॉलेंटियर्स का जो अभी एक गेटअप में हैं और आपके सामने नहीं आ सकते। शो के समाप्ति पर हम आपको उनको जरूर प्रेजेंट करेंगे। और प्लीज़ आखिरी दृश्य जो हम दिखाने वाले हैं आपको, एक सेतु बंध का, जिसमें छोटे छोटे बच्चे राम सेतु का यहाँ पर निर्माण करेंगे। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि यहाँ पर आराम से बैठिए, पूरा शो देख के जाइए, और उन जो कलाकार की आपको प्रतिभा अच्छी लगती है, कृपया तालियाँ बजाकर उनका
हौसला जरूर बढ़ाएं, क्योंकि यही तालियां हैं जो उन्हें मोटिवेट करेंगी हर साल यहां पे आके आपके लिए ये शो प्रेजेंट करने का। धन्यवाद, जय श्री राम। And we would like to thank you to the media sponsors जिनके जो कि हमारी मदद करते हैं हमारी हर डेट्स हर इवेंट को आपके तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत धन्यवाद एशियन ट्रिब्यून का, यशपाल शर्मा जी का और मिस्टर गबवानी जी का, जिन्होंने रामलीला का मीडिया स्पॉन्सर्स हैं हमारे और उन्होंने हमारी न्यूज आप तक पहुंचाई। थैंक यू अगेन। बोल सियावर रामचंद्र की। एंड वी वुड लाइक टू से थैंक यू टू मिस्टर रंजीत खेरा and Mr. Devman for a media, they are also media sponsors, so thank you to them, thanks. तो एक और जरूरी सूचना है कि कल का नवरात्रि पूजा जो है वो शुरू होगी 9:30 से और 11 o'clock तक होगी, क्योंकि 11 o'clock एक बहुत ही अच्छी भजन जो गाने इंडिया से आए हुए हैं वो यहाँ पे भजन प्रेजेंट करेंगे हमारे लिए 11 to 12:15। तो आप सभी को आमंत्रण है, जरूर आइए, वो स्पेशल इंडिया से यहाँ प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए आए हुए हैं। तो कल हमारे मंदिर में भजन सुनाने आ रहे हैं हमें, तो आप प्लीज़ जरूर पहुँचिए। थैंक यू। एक और सूचना है, दशहरा 17 अक्टूबर को बाहर पाटल लॉट में मनाया जाएगा, 25 सितंबर को दोपहर पाटल लॉट में मनाया जाएगा और कल एक स्पेशल ग्रुप यहां पर परफॉर्म करने आ रहा है फ्रॉम 11:30, सो प्लीज डोंट मिस टुमारोज प्रोग्राम। धन्यवाद। देखी बिकल भई जुगल कुमार
और ऐसा अधर्म का कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता।
समझी, जब तक ये विघ्नकारिणी यहाँ रहेगी तब तक मेरा कुछ नहीं बनेगा। सबसे पहले तो मैं इसे ही ठिकाने लगाऊंगी और फिर मैं तुम्हें रिझाऊंगी। देवी चाहो अब की बार लक्ष्मण तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। क्यों जी, अब आए सीधे मार्ग में। आओ आओ, जो तुमने ठाकुर जी पर कठोर शब्दों के पुष्प चढ़ाए हैं उसका भी प्रसाद और अरंगले की काबू। सता रही है तुम्हें आज इस प्रकार पंचवटी में देख मेरा मन व्याकुल हो रहा है। वह कौन सा कारण है जिसे देखकर आपका कोमल हृदय घबरा रहा है? सीते, अयोध्या में तो तुम नित्य सोना सिंगार किया करती थी और कई बार तो माता कौशल्या स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करते थे। वहां तो रानियों के श्रृंगार के सभी साधन थे। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं पंचवटी में जाऊं, अपने हाथों से फूल तोड़कर लाऊं और तुम्हें पहनाऊं। पतिदेव, विधाता ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वह मिल गया है।
वनवास में मुझे वनवासी श्रृंगार ही करना चाहिए, फिर मेरे श्रृंगार तो आप है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाता हूं। लक्ष्मण जरा सावधान रहना, जब तक मैं वन से लौट ना आऊं जानकी को कदापि अकेले मत छोड़ना। पीछे लक्ष्मण लाल जी बिठा गए, कुटिया का रास्ता भूल गए। आपकी माता मानकर तुम सच्चे
चिंता न करो, रक्षक मेरे सर्वेश्वर है। तुम जाओ, वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभु और मेरे माता। तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी धन कृपा तुम ही मेरी इस धर्म उल्लाना के, सूर्य देव मल्ला तुम ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे, रघु राई अगर उल्लाना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाता हूँ माँ, अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर खास रहा, तुम इस रेखा के अंदर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर जाएगा, है आग से इस लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भैया राम, भैया राम। Yeah,
तेरी भिक्षा मुझे दे। रेखा से बहारा नहीं चाहिए तेरी बंदी भिक्षा मुझे। अगर दिया ना इसको दान तो गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे या ना रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लो योगी बाबा। ओम नमो शिवा। ओम नमो शिवा। सीता हो सावधान। हाँ रावण लंका का राजा आज तू मेरे जंगल में है। कोई तुझे बचा नहीं सकता। आज मेरे बच्चे हुआ। आने वाले हैं जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। रावण के सामने कोई बोल सके है किसकी बजाल। तो समझ ले यह सीता का हरण नहीं बल्कि है तेरा काल। काल काल कैदी है मेरा। काल आ सकता नहीं। आ सीता तुझे मेरे तो चरण तिहारे हैं। एक है माता के का नहीं
मैं तो बिचों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। परनाथ शकुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, जल्द ही वैदिक आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली पे धेई का इस हाथी हरण करने वाले, सावधान होकर रहना आते हैं रण करने वाले। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हक नहीं है मान की, ज्ञान की सीमा नहीं, पास भागी के रहे और कुंडल तक देखा, धन्य हो। लीला में अब थोड़ी देर में आप देखेंगे हनुमान जी की अशोक वाटिका में दिव्य लीला, जिसमें वो जानकी जी के शोक का हरण करते हैं और वृक्षों को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं और अंत में मेघनाथ के द्वारा बांधे जाते हैं। सीता के रूप में हैं इस बार मनाली देशपांडे जी, अक्षय कुमार के रूप में आ रहे हैं पवन शर्मा जी, मेघनाथ के रूप में आ रहे हैं नरेंद्र जी और हनुमान जी के रूप में हमारे जाने पहचाने निरंजन ढढवाल जी। तो ये चार कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं अब अशोक वाटिका। अशोक वाटिका उजाड़ने पर आप जानते हैं हनुमान जी फल दर्शकों पर फेंकते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा, किसी को कोई चोट ना लगे। हनुमान जी का प्रसाद जरूर लें, लेकिन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द नेक्स्ट पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो प्लीज़ ध्यान रखें, किसी को चोट ना लगे, प्रसाद लें। पर देखें हनुमान जी की दिव्य लीला अशोक वाटिका के रूप में। और आज की रामलीला का एक थीम है, वो है रामेश्वरम की स्थापना, भगवान राम के द्वारा रामेश्वर लिंग की स्थापना, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक नया फीचर है। पर्दा थोड़ी देर में खुलने वाला है, अशोक वाटिका सच चुकी है और जानकी जी आने वाली हैं अशोक वाटिका में। राम इस बार नए कलाकार आए हैं, भवानी प्रताप दास जी और सीता जी के रूप में आए हैं मनाली देशपांडे जी, मेघनाथ के रूप में नरेंद्र गौतम आए हैं जिन्होंने विश्वामित्र का भी रोल किया था, और विभीषण के रूप में आए हैं शैलेश अरोड़ा जी जिन्होंने इस बार गणपति उत्सव में बहुत सहयोग दिया, वही शैलेश अरोड़ा जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी के रूप में अमित एरी, जो लगभग 10 वर्ष से लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर रोल निभा रहे हैं, लक्ष्मण जी के स्वरूप को दिखा रहे हैं अमित एरी जी। रावण के रूप में राणा ठाकुर जी जिन्हें प्रकृति ने ऐसा रूप दिया है कि रावण के अनुरूप ही बैठता है, तो रावण के रूप में राणा ठाकुर जी, दशरथ जी के रूप में विशाल गौतम जी, श्रृंगी ऋषि के रूप में थे जी भारद्वाज जी, सुमंत के रूप में थे हर्ष भारद्वाज जी और शूर्पनखा के रूप में थे रीता हांडा जी। रीता हांडा जी का जबरदस्त प्रदर्शन था शूर्पनखा के रूप में। बोल सियावर रामचंद्र की। और ताड़का के रूप में तो पूछिए मत, ऐसा लगा कि वाकई ताड़का आ गई है, शायद भागना पड़ेगा। ताड़का के रूप में जबरदस्त जितेंद्र कालरा जी ने अपनी छाप छोड़ी आज। अक्षय कुमार के रूप में पवन शर्मा जी थे और उज्जैन के राजा के रूप में विकास वालिया जी ने सहयोग दिया, और खड़क सिंह के रूप में थे खजान भारद्वाज जी, बाल राम लक्ष्मण के रूप में दो भाई थे, दोनों चैतन्य गौतम और तेजस गौतम। नल और नील के रूप में आएंगे शिवम और ओ मैरी, और इसके बीच हम आभारी हैं अंजना बब्बर जी के जीवन गोपाल दास अकेडमी के, और चौपाई के लिए डॉक्टर कमलजीत गिल जो शास्त्रीय गायन के बहुत
विद्वान माहिर हैं वो कमलजीत जी स्टेज के पीछे हैं, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ राम कथा को आप तक लेके जा रही है। उनके साथ हैं ताड़का जी के पतिदेव जो उनका सहयोग कर रहे हैं। तो और ओवरऑल डायरेक्शन है अरविंद देरी जी का। बैक स्टेज में जो बहुत लोग काम कर रहे हैं जो सामने नहीं दिखाई दे रहे, जो नींव की ईंट की तरह हैं, जिनके ऊपर ये रामलीला की आज इमारत को आप देख रहे हैं, उनमें अरुण कक्कर जी हैं, छाया सारस्वत जी हैं, अश्विनी बग्गा हैं, आदर्श गोपाल हैं, संदीप शर्मा हैं, कांति भाई पटेल हैं, राकेश सब्रवाल हैं, और म्यूजिक पर साथ दे रहे हैं संजय देशपांडे जी, हरीश प्रसाद जी, बलजीत कलसी जी, राजीव सक्सेना जी। और ये जो इतना सुंदर रूप निखर के आ रहा है हमारे सभी कलाकारों का, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं मुन्ना लाल गौतम जी के, डिंपल वालिया जी के, यशवंती देवी जी के, विजय अग्निहोत्री जी के और सुरुचि जी के। और आइए अब स्टोर का सारा ध्यान रख रहे हैं शिव कुमार शर्मा जी जो अरविंद देरी जी के पिताजी भी हैं। और अब अरविंद देरी जी के निर्देशन पे देखिए अशोक वाटिका। और ध्यान रखिएगा हनुमान जी जब अशोक वाटिका का विध्वंस करेंगे, जब आप पर कीले आएंगे तो कीलों को खाइएगा, और पास वाले को धक्का मत देना भैया, चोट लग जाएगी। अशोक वाटिका बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सीता माता की। प्रभु के लिए कोई निशानी भेजें, ताकि आपका संदेश पाकर
श्री राम सारी वानर सेना के साथ यहाँ आएंगे, इस रावण और इस लंका का सर्वनाश कर देंगे। और राम नाम भज रही आप, यह भी तो अपना फल दिखलाएगा, इस फल से ही वानर मंडल निशाचर दल पर विजय पाएगा। अन्यथा यह दस दिन आ जाता, पल में इस लंका को चौपट कर मां तुझे मैं अपने साथ दिला देता। पुत्र तुम्हारे इन सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली, इससे अधिक सुख क्या हो सकता है कि प्रभु अपनी दासी को याद रखते हैं। प्रभु श्री राम को आपका ध्यान कभी नहीं। हे माता, अभी मुझे शीघ्र ही आपका संदेशा लेकर अपने प्रभु के पास लौटना चाहिए। लो पुत्र, यह निशानी ले जाओ और मेरे नाक से कहना कि अब देर नहीं करे, तुम मेरी दशा भली प्रकार देख चुके हो। उनसे कहना कि उस देह ने उनके दर्शन के लिए अभी तक प्राण टिके हुए हैं, और अगर वह एक महीने तक ना आए तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हे माता, इस सुंदर वाटिका के फल देखकर मुझे भूख लगाई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल तोड़कर खा लूं। वैसे तो